अरे क्या है मरियम, तो शहर में ही आ रही। देखो मैं बोली औरत अभी बर्तन धो रही है, बर्तन साफ कर रही है। जब से तू मेरी बहू बनी है, न कोई काम छोड़ का होता है, न कोई घर का काम काज तुम करती हो। ऐसे ही डोरे डंडे लेकर, ये बच्ची लेकर कभी किधर बाजार में घूमती फिर रही हो, कभी किधर रोडों पर फिर रही हो। ये नवाज शरीफ ने तो ये ब्याह कर मेरी बहू बनाया था, वो खुद भी सारी जिंदगी इसी तरह दरेजी वाला काम करते रहे हैं, और तुम ये भी यही बात सिखाई है कि बस घूमते फिरते रहा करो, घर का काम काज। ये देखो मैं बर्तन धो धो कर थकी हूँ, मेरे हाथ मांग मांग कर थक चुकी हैं, इनके अंदर हाथों के अंदर लकीरें पड़ गई हैं। ये मांग मांग कर तो शर्म नहीं आती, ऐसे बन संवर कर ऐसे रोडों पर बंदों को और जवान लड़कों को अपनी तरफ मत तवज्जो कर रही हूँ। कुछ शर्म करो और यहाँ करो, ये काम करो, जल्दी कर दो, करो मेरा हाथ बटाओ बर्तनों में, शर्म करो। मेरी प्यारी सास साहिबा, डॉक्टर यस्मीन आश्ता साहिबा, मैं आपके बर्तन धोने के लिए तो आपकी बहू ही बनी थी। मैं तो ये आपकी जो है ना ये पोती को ये खिला रही हूँ। रोडों पर घूमना ये तुम्हारा जद्दी पुश्ती प्लान है, मनसूबा है। कभी लड़कों को अपनी तरफ मतवज्जो करना, किसी को डोरे डालना या दौड़ना, इधर घूमना फिरना ये तुम्हारा काम है। ये बर्तन धोने के लिए मैं तो आपकी बहू ही बनी थी। मुझे ना ही तरीका है खाना पकाने का, ना ही बर्तन धोने का, ये तो आपके काम है मेरी सास साहिबा यस्मीन बेगम, यस्मीन राशिदा साहिबा। मैं तो नहीं बर्तन मांग सकती, मेरे तो हाथ काले हो जाते हैं, हाथों में लकीरें पड़ जाती हैं। ये आप ही करें, मुझे भी खिलाएं और खुद भी खाएं। मैं ये काम नहीं कर सकती, हमारे बाप दादा ने हमें यही सिखलाया था कि माल आ जाए तो उसको अपने अंदर हड़प कर ले, और नहीं तो काम करने का कोई जरूरत नहीं है। वो निशान है अजमे आली शान अर्ज़े पाकिस्तान। अगर काम नहीं कर सकती तो बाप ने आपको ये नहीं सिखाया था कि किसी की बहू बन कर जाओगी तो काम भी करना पड़ेगा, बर्तन मांजना पड़ेंगे, घर के काम काज, अगर जिनवान रखे हुए हैं तो उनका चारा भी लाना पड़ेगा, खाना पकाना पक्का पड़ेगा। ये आप बाप दादा की नशे कदम पर ही चल रही हैं, उन्होंने सारी जिंदगी कुछ काम नहीं किया सिवाय धार के मार के अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे फ्री का मार धार किया, शिकार किया, फ्री का माल मारा, अपने अंदर डाला और उसको सुकून से खाया। अभी तभी तो आपके बुजुर्ग वार साहब भी लंदन में जिलावतनी की एक अरसा से ये जिंदगी गुजार रहे हैं। अभी वो खाया पिया हुआ भाई निकल रहा है ना। मेरी प्यारी बहू साहिबा, शर्म करो, कुछ हैरत करो, नहीं तो ये वक्त आपको साथ नहीं देगा, आप फिर बाद में पछताएंगी। कहाँ से आते हैं? पछतावा नहीं होता मेरी ऐसी सासू साहिबा, आप अपना काम जारी रखे, लड़ी दो, मैं तो अभी जा रही हूँ घूमने फिरने के लिए। जी शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के आल के बटन को प्रेस करें ताकि हमारा हर नया आने वाला सियासत पर मबनी फनी खाका आप तक बर वक्त पहुँच सके। जस्ट फॉर फन, नॉट रियली। थैंक्स।